greetings our all. I hope you all are well. Friend, from today we are going to start learn class 7 science. So the first chapter is nutrition in plant. Nutrition in plant का मतलब क्या है? Plant में nutrition कैसे होता है? इस chapter में उसके बारे में जानेंगे. Plant की nutrition के बारे में. तो friends, अब आप लोग सोच रहे होंगे nutrition क्या होता है? What is nutrition? तो friends, इस chapter का first point भी वही है. What is nutrition? The process of taking food and is used in our body is called nutrition. The process of taking food, हम लोग food को eat करते हैं. And it used in our body, हम लोग के body में use हो जाता है, उससे हम लोग को energy gain होता है. Is the process is called nutrition. इस process को हम लोग nutrition कहते हैं. हम लोग food लेंगे और हमारे body में use होगा, इस process को nutrition कहते हैं. तो हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे nutrition in plant, यानी कि food प्लांट जो कैसे अपना फूड लेते हैं और उसमें न्यूट्रिशन कैसे वो उसकी बॉडी में यूज होता है, ये हम लोग जानेंगे. तो फ्रेंड अब हम फूड, तो पहले फ्रेंड फूड इज काइंड ऑफ फ्यूल विच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. फ्रेंड फूड जो है वो काइंड ऑफ फ्यूल है. जैसे कि हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल डालते हैं कि वो रन करें, वैसे ही फूड हम लोग के लिए फ्यूल है. जैसे कि हम लोग स्टडी करेंगे या खेलेंगे तो उसके लिए हम लोग एनर्जी चाहिए. और एनर्जी हम लोग कैसे मिलेगा? फूड को हम ईट करेंगे तो हमारे बॉडी में यूज होगा और हम लोग वो एनर्जी गेन होगा. तो उससे हम लोग स्टडी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, प्ले करेंगे. तो इसलिए फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल. फूड को काइंड ऑफ फ्यूल कहते हैं. फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि फूड में एनर्जी कैसे गेन करते हैं, फूड से हम लोग एनर्जी कैसे गेन करेंगे. तो फूड कंटेन मेनी कंपोनेंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. तो फूड के पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं. फूड कंटेन मेनी कंपोनेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. तो फ्रेंड्स क्या आप उन न्यूट्रिएंट के नाम बता सकते हैं? तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. ये सब फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं. तो फ्रेंड अगर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब के बारे में डीपली जानना हो तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिए. क्लास 6 साइंस में मैं सब के बारे में डीपली में पढ़ा चुकी हूँ. देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है, उसका कितना मोड होता है. देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो है टू मोड्स के होते हैं. फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हाइटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम लोग न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इज यूज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल. और इसमें क्या पढ़े हैं? फूड कंटेन मेनी कंपोनेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. फूड जो है बहुत सारे कंपोनेंट को कंटेन करता है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब न्यूट्रिएंट है फूड के. एंड देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो फ्रेंड अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और हाइटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की पॉइंट है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड इट्स ऑन आर कॉल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं, वो अपनी बॉडी में बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय इट्स ऑन इज कॉल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसके एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट. फिर ऑल ग्रीन प्लांट्स आर मेड देयर फूड बाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप. वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप कहते हैं. सो वी कैन से ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एंड ऑल्सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. क्योंकि वो अपना फूड खुद अपने बॉडी में बनाते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहते हैं. तो अब नीचे है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड बाय प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड हाइटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें
ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड है वो प्लांट एंड एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, उसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जांपल ग्रीन, नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल। नॉन ग्रीन प्लांट के पास फ्रेंड्स क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना वो फूड जो खुद नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए वो प्लांट और दूसरे प्लांट और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड एनिमल, एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग भी प्लांट से वीट, कॉर्न ये सब खाते हैं, तो वो सब भी हम लोग जो हैं, हम लोग भी हाइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से फूड को ऑब्टेन करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हाइटोट्रॉप्स। वैसे ऑर्गेनिज्म को हाइटोट्रॉप्स कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हाइटोट्रॉप्स। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर हाइटोट्रॉप्स। तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने इस बार पॉइंट कराया वो सबको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई मीट यू टुमारो विथ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।